रेवाड़ी में पुलिस विभाग की सुस्ती के चलते इन दिनों चोरों का आतंक बरकरार है। बीती रात पुलिस लाइन के सामने स्थित SBI के ATM को कटर मशीन से काटकर अज्ञात चोरों ने 21,43,700 रुपए चोरी कर लिए। चोरी की वारदात को अंजाम देकर चोर मौके से फरार हो गए। कटर से काट के सारा कैश निकाल के ले गए। बाकी जो इसकी कार्रवाई है हम अभी कर रहे हैं। कैश का जो भी डिटेल्स है अभी बैंक में सारी हमने मेल मूल कर दी है। इसकी डिटेल्स वगैरह सारी निकलवा रहे हैं। CCTV फुटेज सब निकल रही है इसकी। बाकी अंडर प्रोसेस है। बाकी जो भी होगा आपको बेस्ट टू बेस्ट बताएंगे। अमाउंट अभी कुछ कंफर्म नहीं है। राउंड फिगर में आपको बताऊं तो 21,45,000 के आसपास है। बाकी एग्जैक्ट फिगर जो है वो अभी थोड़ी देर में बैंक खुलते आपको कंफर्म हो जाए। गार्ड नहीं था इसमें? नहीं, गार्ड नहीं है यहाँ पर। मैं ATM में वैसे कोई सिक्योरिटी तो है नहीं दोस्त, ये ओपन रहता है इसका डोर। नहीं, इसका लॉक था। सुबह मैं आया, लगभग मैं 4:15 अपनी दुकान खोली, तो दुकान ओपन करने के बाद मैंने अपनी साफ़ सफाई की। बाद में मेरा ध्यान गया कि ATM में खुला हुआ है, शटर आधा डाउन है, तो मैंने देखा इसमें। तो देखने के बाद ऐसा लगा कि इसकी जो कैश लॉकर है सब खुला पड़ा है। मतलब ATM कोई खोल के कार्ड ले गया कोई, ऐसा ही। ये तो मुझे पता नहीं, जो मैंने 100 नंबर पर VT की पुलिस को बोला तो वो आए, तो उन्होंने अपने देखा, उन्होंने फ़ोटो खींचे, उन्होंने बताया गैस कटर से कटा हुआ है। उसके बाद हमने देखा गैस कटर से कटा हुआ है। इसमें हम पुलिस की भी नहीं, उन बैंक की लापरवाही है कि इसमें गार्ड होना चाहिए। इसमें जो इतना ज़्यादा कैश डाल रखा है, बोल रहे 21 लाख इसमें कैश है, इसमें इतना कैश डाल रखा है तो इसमें गार्ड भी होना चाहिए। प्रशासन को स्ट्रिक्ट होना चाहिए, इस पर एक्शन भी लेना चाहिए कि मतलब पुलिस लाइन के सामने है तो बैंक भी लापरवाही कर रहा है इसमें। वो मौसम ना, मौसम खराब की वजह से पुलिस की गश्त तो होती है मेरे भाई, पर मौसम खराब था। इसमें लाइट भी फॉल्ट हो रही थी, लाइट भी नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने दोनों फायदा उठाया। स्टर डाउन करके अंदर इसमें उन्होंने कटिंग की है, गैस कटर से काटा है। उसमें पानी की बाकायदा नहीं, पानी की बोतल लेके बैठे हैं। उन्होंने सारी नॉलेज थी, एक्सपर्ट बंदे थे, कोई ऐसा लग रहा है। रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। इसी प्रकार के अन्य खबरों को जानने के लिए बने रहें YES TV के साथ।